अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सड़क हादसे को लेकर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर रात रीवा जिले में हुए सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रातः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर चर्चा की और उन्हें इस हादसे से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया कि देर रात यह सड़क हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही रीवा जिले के कलेक्टर, एसपी सहित बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जिला प्रशासन ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हादसे में जिन यात्रियों की मृत्यु हुई है उनके पार्थिव शरीर अभी त्योंथर में रखे हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा उन्हें ससम्मान प्रयागराज पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही जो व्यक्ति जो सुरक्षित हैं या कम घायल हैं उन्हें फर्स्ट एड देकर रात को ही दो बसों के माध्यम से प्रयागराज पहुंचाया गया है। ऐसे यात्री जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका इलाज रीवा मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क किया जा रहा है। रीवा जिला प्रशासन इलाज सहित घायलों एवं मृतकों के परिवार जनों के लिए समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहा है। मुख्यमंत्री चौहान ने घायलों के संपूर्ण इलाज और मृतकों के पार्थिव शरीर को ससम्मान प्रयागराज भेजने के निर्देश रीवा जिला प्रशासन को दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय रीवा जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क में है। रीवा जिला प्रशासन के अधिकारी प्रयागराज जनपद के आला अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। नाम विकास कुमार शर्मा है। हम लोग सिकंदराबाद से जा रहे थे बस्ती, यहाँ पे ढाबा पे हम लोग खाना नाश्ता वास्ता किए। नाश्ता करने के बाद गाड़ी पे चढ़े हम लोग, गाड़ी वहाँ से आज ठीक चली। बीच में आने के बाद गाड़ी का जो गियर होता है गियर नहीं लग रहा था, गाड़ी अन कंट्रोल हो गई। कितने लोग बस में चले? बस में लगभग 100 के आसपास थे। हादसा कैसे हुआ? हादसा तो ब्रेक न लगने के कारण डायरेक्ट हादसा हो गया। बस इतने से। आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग सर बिहार जाना है, छपरा। आप बिहार के? कितने लोग सवार थे बस में? लगभग 100 से ज़्यादा लोग थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सिकंदराबाद से बस थी, गोरखपुर बस थी। ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के ही हैं जी। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग हैं, बिहार के भी हैं। आपके कोई हैं जो घायल हुए हैं? हाँ, हमारे जीजा जी हैं एक, तो जो जख्मी हो गए हैं, उनको पैर में चोट आ गया है। मेरे ही पैर में चोट आया है बस सर। क्या नाम है आपको, कहाँ के रहने वाले हैं? हम छापरा जिले के रहने वाले हैं, दाऊदपुर थाना क्षेत्र के। विकास कुमार शर्मा।